कि वीडियो के अंदर टेक्स्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। टेक्स्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो आखिर तक इस वीडियो को देखना ताकि आप लोग टेक्स्ट इफेक्ट्स अपनी वीडियो को सिनेमैटिक या स्टूपिड लुक देने के लिए यूज कर सको और अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सको। टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं, टेक्स्ट बेसिकली इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किया जाता है अपनी किसी भी वीडियो के अंदर। सो आप लोग अगर उसी टेक्स्ट को थोड़ा सा सिनेमैटिक या इफेक्ट दे के यूज करो तो आपकी वीडियो सिनेमैटिक या स्टूपिड लुक देगी। आज जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो है प्रीमियर प्रो। आप लोग का सवाल होगा, भाई काइन मास्टर क्यों नहीं, भाई वो सॉफ्टवेयर क्यों नहीं, भाई ये सॉफ्टवेयर क्यों नहीं। सो दोस्त, अगर आप लोग टूल्स के अंदर फंसे रहोगे तो स्किल्स कब सीखोगे। सो आओ स्टार्ट करते हैं फ्री सिंपल इजी एंड फास्ट टेक्स्ट इफेक्ट्स विदाउट एनी प्लगइन ऑफ प्रीमियर प्रो। ओके सर, सबसे पहले जिस इफेक्ट की हम लोग बात करेंगे उसका नाम है स्ट्रोब इफेक्ट। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे आना है, एक टेक्स्ट लेयर लेनी है, उसके अंदर आप लोगों ने कुछ क्लिक लेना है, टेस्टिंग इफेक्ट या जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आपका कंटेंट है उसको लिखने के बाद आप उसको रिसाइज कर लें। ये जो नया वाला प्रीमियर प्रो है इसमें ग्राफिक सेक्शन के अंदर जाएंगे, एडिट के बटन दबाएंगे, यहाँ पे आप लोग आके अपना फॉन्ट चूज करें। आप जितना बोल्ड फॉन्ट यूज करेंगे उतनी आपकी वीडियो अच्छी लगेगी। सो ट्राई कि आप लोग बोल्ड फॉन्ट यूज करें, उसकी आप सेटिंग करें जितना आपने उसको रखना है। हम इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, हम इसको मेट्रोपोलियस एक्स्ट्रा बोल्ड के ऊपर ले जाते हैं। ओके सो इस इफेक्ट के अंदर आपको कोई भी प्रीमियर प्रो का प्लग इन नहीं चाहिए, इन बिल्ड प्लग इन नहीं चाहिए आपको इस। ओके सो इसके बाद आप आएंगे टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर, आप जो टेक्स्ट इफेक्ट है उसके ऊपर आप अंदर से जो मेन वाला पॉइंट है आप उसको रिमूव कर देंगे। सो उससे आपके पास एक स्ट्रोब इफेक्ट वाला इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आपने आप जिस टाइम पे इसको साउंड के साथ चेंज करेंगे या साउंड के साथ आप इसको सेट करेंगे तो आपकी वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि कुछ ऐसी लगेगी। सो आए हम इसको अपने साउंड के साथ एडजस्ट करते हैं। सो जैसा कि हम लोगों ने अपने साउंड के साथ इसको एडजस्ट कर लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा लगता है। सो आप लोगों ने जैसे देखा कि हम लोगों ने स्ट्रोब इफेक्ट कैसे यूज किया और कैसे उसको हम लोगों ने आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने स्ट्रोब इफेक्ट किस तरह से यूज किया। ओके सो अब हम जो दूसरा इफेक्ट की बात करेंगे वो है ग्लिच इफेक्ट। ओके ग्लिच इफेक्ट के लिए भी आप लोगों ने अपनी जो टेक्स्ट इफेक्ट वाली लेयर है उसको आप लोगों ने फुल कर लेना है। आप लोगों ने इफेक्ट सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आप लोगों ने लिखना है वी आर डिजिटल ग्लिच। यहाँ पे आपको वी आर डिजिटल ग्लिच मिलेगा, आपने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना अपनी टेक्स्ट इफेक्ट की लेयर के ऊपर। ओके सो इससे ये होगा कि आप लोग की जो टेक्स्ट है उसके ऊपर टोटल ग्लिच आ जाएगा, पर आप लोग को टोटल ग्लिच नहीं चाहिए। अगर आप लोग को टोटल ग्लिच चाहिए तो फिर तो आप ये रहने दें, अगर आपको टोटल ग्लिच नहीं चाहिए तो आपने यहाँ पे जाना है, मास्टर एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है, मास्टर एम्पलीट्यूड की फ्रेम को आपने ओपन करना है। वहाँ पे आपको दो क्री फ्रेम्स मिलेंगे, आपने थोड़ी सी वीडियो को आगे लेके जाना है और यहाँ पे मास्टर एम्पलीट्यूड को आपने ज़ीरो कर देना है। तो जिस टाइम पे आप इसको दोबारा से चलाएंगे तो आपके पास एक ग्लिच इफेक्ट आ जाएगा। सो जिस टाइम पे आप इसको साउंड के साथ लेके जाएंगे तो ये कुछ ऐसा लगेगा। ओके जो तीसरा हमारा इफेक्ट है उसको बोलते हैं वी आर डिजिटल ब्लर। इफेक्ट सेक्शन के अंदर जाएंगे, वी आर स्पेरिकल ब्लर को आप लोग सेलेक्ट करेंगे। ओके सो ये बेसिकली खुद एक ट्रांजिशन वाला इफेक्ट है। सो इसको आप लोगों ने अपने फॉन्ट के टेक्स्ट के लेयर के स्टार्टिंग में डालना है और जिस टाइम पे आप इसको डालेंगे सो जैसा कि आपने देखा ये एक खुद ट्रांजिशन वाला इफेक्ट है, पर हम लोग को तो ऐसा नहीं चाहिए, हम लोग को तो ये फ्लैट चाहिए, हम लोगों ने फ्लैट यूज़ करना है या हम लोगों ने साइड से लेके आना है या ऊपर से लेके आना है, तो हम लोग इसको अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ चेंज करेंगे। हम इसके जो इफेक्ट है उसको क्लिक करेंगे जिसकी वजह से हमारे पास एक ऑप्शन ओपन होगा
पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का, यहाँ पे 960 को आप ज़ीरो कर दें, दूसरे को भी आप ज़ीरो कर दें, तो ये स्ट्रेट हो गया। सो जिस टाइम पे आप लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आएंगे तो आप इसको ज़ीरो करेंगे तो आप लोग का ये फ्लैट हो जाएगा। और इस तरह से आप लोग कोई भी इफेक्ट इस अपनी वीडियोज़ के अंदर डाल सकते हैं सिनेमैटिक लुक्स के लिए। सो ये जो आज हम लोगों ने 3 सिंपल इजी एंड फास्ट टेक्स इफेक्ट सीखे हैं, ये आप लोग अपनी किसी भी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हो। पर हाँ दोस्त, एक बात याद रखना, अगर आप लोग इसी टेक्स इफेक्ट को किसी बोंगे फॉन्ट के साथ यूज़ करोगे, या आप लोग कोई सिंपल या स्टाइलिश या फ्लैशी डिज़ाइंस वाले फॉन्ट्स यूज़ करोगे, तो आप लोग जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो तो वो ऐसा लगेगा कि जैसे बंदर के हाथ में DSLR पकड़ा। तो हमेशा याद रखना, हमेशा बोल्ड एंड सिंपल फॉन्ट्स यूज़ करो ताकि आप लोग की वीडियो अच्छी लगे।